Hello students, how are you? My name is Kusumjit Kaur and I will teach you biology. And today we start a new topic of class 11th, the first chapter, the living world. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि the living world, तो इस chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे? The organisms or the characteristics of living, कि living characteristics कैसी होती हैं और non-living characteristics कैसी होती हैं. इस पूरे चैप्टर में जो आपको पूरा दिया गया है उसमें आपका जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में है, किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को लिविंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं और किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग में या किसी भी मटीरियल को लिविंग या नॉन लिविंग में डिस्टिंक्ट करती है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स या फिर लिविंग कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दे कैन रिप्रोड्यूस, दे हैव सेंस, वो सेंस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके पास फीलिंग्स होती हैं, दे कैन मूव, दे कैन लोकोमोट, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, दे कैन ब्रीथ. बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अभी तक फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ तक आप पढ़ते हुए आए हो कि लिविंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अगर मैं बेसिकली बात करूं कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो देयर आर सम एक्सेप्शंस कि हम कोई, अब मैं हर एक चीज़ की बात करूं तो उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि हाँ, या तो वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है. ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, तो एक बात आती है वायरस, कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, लिविंग या फिर नॉन लिविंग. ये लिविंग तब है जब ये किसी भी बॉडी या किसी भी लिविंग बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है. इट मींस इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी, अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तब तो ये लिविंग है. इट मींस दे कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है. बट अगर ये आउटसाइड द लिविंग बॉडी प्रेजेंट है, आउटसाइड द लिविंग बॉडी प्रेजेंट है, तो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. इवन यहाँ तक कि ये अपनी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता, अपनी बॉडी की कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. जबकि वायरस के पास उसका खुद का जेनेटिक मटीरियल होता है, बट जो वायरस है वो ना तो लिविंग है और ना ही पूरे तरीके से नॉन लिविंग है. इसके ऊपर कंडीशन डिपेंड करती है. इफ़ दे आर प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी, तब ये क्या है? लिविंग. अगर ये लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये लिविंग नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है. एक बैक्टीरियोफेज विच इज अ वायरस, इसका खुद का डीएनए, इट मींस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. ये इसकी प्रोटीन कोट है एंड दे आर फाइबर्स. जो वायरस का ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होते हुए भी ये लिविंग नहीं है. इट मींस इसको कोई होस्ट चाहिए अपने आप को लिविंग, अपने आप को लिविंग शो करने के लिए. अगर ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, आउटसाइड द लिविंग बॉडी प्रेजेंट है, तो ये नॉन लिविंग है. अगर ये इनसाइड द किसी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तब ये लिविंग है. नाइदर दे आर प्लांट, नाइदर दे आर एनिमल, तो ये ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है. देर आर सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लाइक प्रायोन्स, दे आर अ प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स. क्या है ये? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स. ये इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, बट दे कैन कॉज डिजीज. दे आर नाइदर लिविंग, दे आर नॉट, ना तो ये लिविंग है ना ही ये
नॉन लिविंग है, बट दे कैन कॉज डिजीज लाइक कुरु एंड मैड काउ. ये जो प्रायोन्स होते हैं ये मैड काउ और कुरु जैसे डिजीज कॉज करते हैं. ये बेसिकली जो प्रायोन्स होते हैं दे आर न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज. प्रायोन्स न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज एजेंट्स. क्या करते हैं ये? न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज कॉज करते हैं. बेसिकली ये जो कुरु डिजीज है ये न्यू गुनिया में हो, जो न्यू गुनिया एक प्लेस है जहां पर लोग क्या करते हैं, जब वो फ्यूनरल रिचुअल्स करते हैं, इट मीन्स अपने किसी भी इंसान को जो मर गया है उसे जब जलाते हैं या फिर जो भी उनका रिचुअल है वो करते हैं, तो क्या ये क्या करते हैं, उसका दिमाग निकाल के खा जाते हैं. तो वहां से ये जो डिजीज है ये फैलनी शुरू हुई. अब हम किसी मरे हुए इंसान का दिमाग खाएंगे तो हो सकता है उसको कई सारी बीमारियां हों, वो डेड ब्रेन है, कंटामिनेटेड ब्रेन है, तो उसे खाने से जो न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज जिसको हम बोलते हैं कुरु, वो कॉज होनी शुरू हुई, जो कि न्यू गुनिया में थी, जो कि किसके थ्रू कॉज होती है? प्रायोन्स अ प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. इसके वर्ड से ही ये जो जो प्रोटीनेशियस प्रायोन्स है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इसके वर्ड से ही डराइव्ड है कि दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. दे कॉज द न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस. जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो इंसान होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उसको, मतलब वो अपनी बॉडी के जो इन्वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, डिफिकल्टी इन वॉकिंग होती है, मतलब वो ढंग से चल भी नहीं पाता. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स विच जो कि कुरु डिजीज में दिखाई देते हैं. द नेक्स्ट इज योर मैड काउ. मैड काउ के अंदर क्या है, जो कि प्रायोन से ही कॉज होने वाली डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड और द नर्वस सिस्टम होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन या नर्वस सिस्टम होता है, वो जो कैटल्स का होता है वो क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है. इट मीन्स कि उनके अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आने लग जाती है. इट मीन्स जो वो उनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो धीरे धीरे डिजीज होना शुरू हो जाता है, और जब वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स जब वो बहुत ज़्यादा डिजीज होना शुरू हो जाता है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि कई लोग अब मीट खाते हैं, या फिर जब वो डिजीज कैटल का मीट खाते हैं जिसको मैड काउ की प्रॉब्लम हो गई है, इट मीन्स जो उसका दिमाग है, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खराब होना लग गया है, तो जब वो उस गाय का या फिर उस कैटल का मीट खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम उनके अंदर भी आएगी, जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे उनके अंदर भी आएगी. तो ये जो मैड काउ वाली प्रॉब्लम है, पहले कुछ कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जो ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम कॉज हुई है, क्योंकि उन्होंने कंटामिनेटेड मीट खाया, जिस कैटल को वो प्रॉब्लम थी, इट मीन्स जिस कैटल को मैड काउ वाली प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसका मीट खाया, तो उन जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनको भी ये प्रॉब्लम कॉज हो गई. इसके बाद हम बात करेंगे कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, ये तो था आपका एक एक्सेप्शन केस कि अगर मैं बात करूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने डिफरेंशिएट करने के और डिफरेंट कैटेगरीज हमने उनको डिफरेंट कैटेगरीज उनकी बनाई है कि हम किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग को लिविंग क्यों बोलते हैं और किसी भी नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं. हम जो इसके अंदर डिफरेंट आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स एंड कोल्ड प्लेसेस. हॉट से हॉट जगह जो होती है, लाइक आपका अगर मैं बोलूँ तो
जो आपके बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो वॉलकैनोज होते हैं उनके इवन जो माउथ होता है उस पार्ट पे भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इट मीन्स वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ऐसे कोल्ड रीजन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर जाते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर, इन फॉरेस्ट, एंड दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जहाँ पर ह्यूमन का सर्वाइवल नहीं है, इट मीन्स ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाता, बट देर आर सम बैक्टीरियाज एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु कैन सर्वाइव देयर, वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम इसके आगे जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं कि उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट दे कैन इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर इंक्रीज इन नंबर भी होता है और इंक्रीज इन मास भी होता है। इंक्रीज इन नंबर किसकी हेल्प से होता है? सेल डिवीजन की हेल्प से होता है। इट मीन्स मेरी बॉडी के अंदर सेल क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं और न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है मेरी बॉडी के ऊपर, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई भी चोट लगी है, उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी चोट लगी है तो वहाँ पर न्यू सेल्स आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। इट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाता है? न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वहाँ पे न्यू स्किन आ जाती है। अगर मैं बात करूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नए सेल्स फॉर्म करते हैं। अब हम बहुत छोटे थे बचपन में, क्या था हमारा साइज बहुत छोटा था, हम बड़े होते चले गए। कैसे बड़े हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन की वजह से हमारा इंक्रीज इन नंबर हुआ। इंक्रीज इन नंबर की वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ हुई जिसकी वजह से हमारी हाइट इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब इंक्रीज इन मास की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जब नए सेल्स बने और जो पुराने सेल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए तो हम मोटे भी हुए, हम पतले भी हुए, हमारी बॉडी का जो वेट था, जो मास था वो भी इंक्रीज हुआ। अब नॉन लिविंग थिंग्स की अगर मैं बात करूं कि कोई भी बुक रखी हुई है, काफ़ी टाइम से रखी हुई है, उसका वेट पहले क्या था? 500 ग्राम था, फिर उसके बाद वो इतने टाइम से पड़ी हुई थी कि उसके ऊपर इतनी धूल मिट्टी जम गई कि अब उसका वेट क्या हो गया? 700 ग्राम हो गया। तो वहाँ पर उसका इंक्रीज इन नंबर ना होके इंक्रीज इन मास हो गया। उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की, बट हम उसे लिविंग कह नहीं सकते क्योंकि उसके उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की दैट दे कैन इंक्रीज इन नंबर। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, दैट एनिमल्स कैन ग्रो अप टू सर्टेन एज। हर एक एनिमल की एक पर्टिकुलर एज होती है, बट जो प्लांट्स दे कैन ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। ये क्या करते हैं? जिंदगी भर जब तक ये हैं तब तक ये इनके जो इंक्रीज जो नंबर ऑफ मास होगा, जो नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। तो जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं इनकी भी दो डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एज तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। इट मीन्स उनकी एक पर्टिकुलर एज होती है कि हाँ आप 12 साल ही जिंदा रहोगे, या फिर आपकी एज 20 ईयर्स है तो आप 20 ईयर्स ही जिंदा रहोगे, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। बट जो प्लांट्स होते हैं जब तक ये जिंदा हैं तब तक ये इंक्रीज करते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर की, जो मल्टी सेलुलर होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस, बट जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, उनके अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? अपने सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब हमने तो सेल डिवीजन में ये पढ़ा था कि वो क्या करता है? इंक्रीज इन नंबर करता है, इंक्रीज इन मास करता है, तो वो क्या करता है? ग्रोथ
में हेल्प करता है, बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, बट उनका इंक्रीज इन नंबर हो सकता है। तो वहां पर जो ग्रोथ है उसको हम क्या बोल देते हैं यूनिसेलुलर में, कि वो क्या है, रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, दैट रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिव इवेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट होते हैं, इट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जैगॉट का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं, तब जाके एक न्यू बॉर्न बेबी जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो बॉर्न होता है, जो न्यू प्रोजेनी होती है वो आती है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो कि ये अमीबा है और इसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, यहाँ पे सेल्स का डिवीजन हुआ, बट ये ग्रोथ की जगह क्या कहलाया, रिप्रोडक्शन कहलाया, वो भी कैसा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँ कि क्या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, तो हम हाँ बोल सकते हैं कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, बट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस कैरेक्टरिस्टिक को लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते अनटिल इट, जब तक ये स्पेसिफाइड ना हो कि हाँ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास कर रहा है, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन मास कर रहा है, इंक्रीज इन नंबर नहीं कर रहा। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं बोला जा सकता इसको कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बोथ लिविंग के लिए भी है और नॉन लिविंग के लिए भी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। कोई माउंटेन है वो पहले बहुत छोटा था, फिर उसके बाद बहुत बड़ा होता चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके ऊपर पेड़ आ गए, उसके ऊपर ट्रीज लग गए, उसके ऊपर सॉइल्स का डिपोजिशन हो गया, बहुत सारी वेदर कंडीशंस हुई जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो गया, वहाँ पर भी उसका इंक्रीजमेंट हुआ, इट मीन्स उसने ग्रो किया, बट वो नॉन लिविंग कंडीशन में था, वहाँ पर उसका इंक्रीज इन नंबर नहीं हुआ। तो इस अगर मैं बात करूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि दैट दे कैन ग्रो, नो, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है दे कैन कि वो ग्रो कर सकते हैं, जब तक हम उसे स्पेसिफाई ना कर दें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक वही हो सकती है जिसे हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ना पड़े, हम उसे बिल्कुल बोल सके कि हाँ दैट दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है ये वाली, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी नहीं है जो आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, जब तक हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर देते तब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, बट जब हम इसे स्पेसिफाई कर देंगे, इसके नीचे एक पर्टिकुलर नोट डाल देंगे कि हाँ दिस कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दे कैन इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास, तब तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होगी, बट अगर मैं डायरेक्ट इसे लिख दूं कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो तो ये प्रॉपर्टी गलत है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच इज लेस और मोर और लेस विच इज मोर और लेस रिलेटेड टू देयर जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो थोड़ी बहुत अपने पेरेंट्स से रिलेट करती हैं, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूँ या एनिमल्स की बात करूँ तो उनके जो कुछ फीचर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी होता है या फिर न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है आपका रिप्रोडक्शन, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ
प्रोजेनी विच इज मोर और लेस हुज कैरेक्टरिस्टिक इज मोर और लेस रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नहीं, इसके बारे में हम लोग लास्ट में प्रूफ करेंगे कि वो किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म है और किस तरीके से कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंगस की। ह्यूमन बीइंग्स तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, बट दे आर सर्टेन केसेस कि उनके अंदर भी कुछ केसेस हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इट मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू बॉर्न, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी, अ न्यू प्रोजेनी। जो फंगस होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। अगर आप किसी भी फंगस को देखोगे तो उसके ऊपर कुछ इस टाइप के स्पोर्स लगे होते हैं, उनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, छोटे छोटे स्पोर्स लगे होते हैं ब्लैक कलर के, वाइट कलर के या फिर ग्रीन कलर के। अगर आप कभी भी बाहर आपने कोई चीज़ फेंकी हो या फिर बरसात के मौसम में आप कभी कोई भी चीज़ बाहर फेंक देते हो और उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो आप उसे कभी लेंस से देखना कि उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पोर्स आ जाते हैं। वो स्पोर्स हवा में प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से जब उन्हें अपनी नॉर्मल कंडीशन या फिर फेवरेबल कंडीशन है तो वो उस जगह पे गिर जाते हैं और वहां पर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। अगर मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं लाइक योर ईस्ट एंड हाइड्रा, they can reproduce by budding. किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं ये? बड के थ्रू। यहां पर एक छोटा सा बड निकलता है जो कि कुछ टाइम तक तो जो फ्रूट होता है, जो फूड होता है वो अपने पेरेंट से लेता है, बट जब ये खुद से एबल हो जाता है फूड बनाने के तब ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है और अपना फूड बनाना शुरू कर देता है। अमीबा की अगर मैं बात करूं तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन तो हो रहा है बट किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू, जो कि एक प्रॉपर्टी है किसकी? ग्रोथ की। तो यहां पर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि वो रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर ग्रोथ हो रही है। इट मीन्स सेल डिवीजन जो किसकी प्रॉपर्टी है? ग्रोथ की, जो कि अभी हमने पढ़ा कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। वहां पर हमने देखा कि जो सेल डिवीजन है वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी सेल ग्रोथ की प्रॉपर्टी है। तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पर ग्रोथ हो रही है या फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये कंडीशन क्या है कि वो मिडल में है कि ये ग्रोथ हो रही है या फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जो अमीबा है वहां पर हम लोग क्लियरली ये नहीं कह सकते कि वो रिप्रोड्यूस हो रहा है या फिर उसकी ग्रोथ हो रही है। वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, हो सकता है उसकी ग्रोथ हो रही हो सकता है उसका रिप्रोडक्शन हो रहा हो। बट अगर मैं फंगस की बात करूँ तो वो वहाँ पर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इट मीन्स स्पोर्स की हेल्प से वहाँ पर उनका फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट और हाइड्रा की बात करूँ तो वहाँ पर भी उनके बीच में क्या हो रहा है कि उनकी बडिंग हो रही है, कि उनके साइड से एक बर्ड निकल रहा है जो कि बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल जो है बिल्कुल उनके पेरेंट्स से रिलेट करता है, और फिर वो जब फूड बनाने के लिए खुद से कैपेबल हो जाते हैं तब वो अपने आप को अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म में तो खुद से अपने आप से ही वो ग्रोथ करना, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक म्यूल, स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स और स्टेराइल वर्कर बीज। जो कि लिविंग तो है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती,
जो म्यूल है जो कि किसका हाइब्रिड है, आपका डंकी और हॉर्स का हाइब्रिड है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसे हम खच्चर बोलते हैं। जो आपके स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि मिडल वन कहलाते हैं, दे आर नाइदर मेल और दे आर नाइदर फीमेल, दे आर नॉट कम्प्लीटली मेल और दे आर नॉट कम्प्लीटली फीमेल, तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो भी अपने जैसा ह्यूमन बीइंग या फिर प्रोजेनी डेवलप नहीं कर सकते, उनके अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। और वो जो स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, जो कि काम करने वाले बीज होते हैं, जिनको जो रानी मक्खी होती है वो क्या करती है, स्टेराइल कर देती है। इट मीन्स एक डिफरेंट, जो आपके वर्कर बी जो बीज होती हैं, दे आर टू टाइप ऑफ बीज होती हैं, जो कि स्टेराइल होती हैं और जो कि अनस्टेराइल होती हैं। उनके फूड पर डिपेंड करता है कि वो स्टेराइल हैं या फिर अनस्टेराइल हैं। जो स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, उनको जो फूड दिया जाता है वो होता है आपका मिक्सचर ऑफ पॉलन ग्रेन्स और जो हनी होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। बट जो अनस्टेराइल होती हैं, जो कि जो डेवलप कर सकती हैं, इट मीन्स दोस कैन रिप्रोड्यूस, उनका जो फूड होता है वो रॉयल हनी भी होता है, जो उनके एग होते हैं, जो बीज होती हैं, उनको उसके ऊपर फीड करवाया जाता है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेनी। बट जो स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, उनको जो पॉलन ग्रेन्स का मिक्सचर होता है और जो रॉयल हनी भी नहीं होता, या फिर जिस हनी के अंदर थोड़ा मिक्सचर होता है उसके ऊपर फीड अप करवाया जाता है, सो दैट वो क्या होती हैं, स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस और दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ प्रोजेनी। तो वहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गया कि ये म्यूल लिविंग तो हैं बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये जो कंडीशन है रिप्रोडक्शन की, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं बट वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो जब मैंने आपको एक बात कही थी कि जिस कैरेक्टरिस्टिक को मैं क्लियर कट बोल सकूँ कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो वो कैरेक्टरिस्टिक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी, ना कि वो कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करना पड़े कि हाँ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। म्यूल भी लिविंग है, स्टेराइल ह्यूमन भी लिविंग है बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो जो लिविंग प्रॉपर्टीज हैं, दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी पढ़ी हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिनोट नहीं करती। कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि हाँ दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, तो वो गलत होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, वो भी गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक्सेप्शन देना पड़ेगा कि इनको छोड़ के बाकी जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, इनको छोड़ के बाकी जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।